हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के जो लगभग 1500 से 2000 के आसपास जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था कि जितने भी आपको प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, और जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे आपको MTS हो, CGL हो या BPSC टीचर हो, आपको उसके साथ साथ बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और MPSI, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखते हैं, ठीक है। हमने देखा था कल कि आपको जो भारत है उसका सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, डोडा बेटा चोटी स्थित है। तो ये डोडा बेटा जो चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। ये जो डोडा बेटा चोटी है वो आपको कहाँ पे स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी पे स्थित है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डोडा बेटा चोटी आपको नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत का जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो है आपको कार्डमम। भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको कार्डमम। भारत की जो सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो है आपको कार्डमम। आगे की ओर देखते हैं, सेवराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। सेवराय पहाड़ियां आपको तमिलनाडु में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आपको सेवराय की पहाड़ियां जो है ना, आपको कहां पे स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में ना स्थित होकर के बल्कि गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में है। तो आपको ये बालाघाट की श्रेणी जो है ना वो महाराष्ट्र में स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी आपको जो है ना ये भी आपको महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला पहाड़ियां ये भी आपको महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मांडव पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो मांडव पहाड़ी आपको गुजरात में स्थित है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको मांडव की पहाड़ियां जो कि गुजरात में है, इसलिए ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं। तो इसमें पूछा था कि आपको कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मांडव की पहाड़ी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, धूपगढ़ की चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई 1350 मीटर है। कितनी ही है? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी अगर आपसे पूछेगा तो ये क्या है? आपको धूपगढ़। MP की, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा रेंज में आती है। कौन से रेंज में आती है? सतपुड़ा रेंज में आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो धूपगढ़ की चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, वो आपको जिसकी लंबाई 1350 मीटर है, ये आपको सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहां पे स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। चलिए ठीक है, आपको जब पचमढ़ी घूमने जाएंगे तो पचमढ़ी जब जाएंगे तो ये धूपगढ़ की चोटी को जो है ना देख पाएंगे पचमढ़ी में ही, क्योंकि ये आपको चोटी स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं, महादेव पहाड़ियां भाग है। महादेव पहाड़ियां की अगर मैं बात करूं तो ये आपको सतपुड़ा श्रृंखला की भाग है, सतपुड़ा रेंज का भाग है। महादेव की जो पहाड़ियां हैं उस वो किसकी भाग है? तो सतपुड़ा श्रृंखला का आपको भाग है। हम लोग बात करते हैं, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है ना आपको पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है? पालनी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी में स्थित है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो है ना कुछ देखिएगा, सबसे ऊंची चोटी ये सब जो है ना आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, इधर पे सेकंड लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को आपको जोड़ी को मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला जो जो आता है उसको हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस में करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आपको तमिलनाडु में आपको पता है कि डोडा बेटा है। तमिलनाडु में कौन सा? ये रहा आपको डोडा बेटा। मतलब सबसे ऊंची चोटी जो है ना आपको तमिलनाडु की, वो कौन सी है? डोडा बेटा। कौन सी है? तमिलनाडु की, ये आपको पता था।
ठीक है, उत्तराखंड नंदा देवी, उत्तराखंड का क्या हो जाएगा आपको, नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो केरल का नाइमुडी, केरल का क्या हो जाएगा, नाइमुडी। और लास्ट बचा, अगर नागालैंड आपको पता नहीं होता, इसका जो है ना बहुत कम लोगों को पता होगा, तो नागालैंड का जो है ना सारामती जो है आपको सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन को हल कर पाते। तो इसका सही उत्तर कैसे, हम लोग केरल में देखा हम लोगों ने क्या, नाइमुडी। तो केरल का आपको सबसे पहला यही पे ऑप्शन सही हो जाता है सी, क्योंकि केरल का जो है ना ऑप्शन नंबर थर्ड केवल एक ऑप्शन है। और फिर तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा आपको, तो तमिलनाडु का आपको, तमिलनाडु का क्या होना चाहिए, दोदा बेटा होना चाहिए, तो डी का क्या हो जाएगा, वन, तो डी का वन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। हमने देखा केरल की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है आपको, नाइमुडी है। ठीक है, अगर हम लोग तमिलनाडु में जो बात करते हैं तो दोदा बेटा किस में आता है, तमिलनाडु में आता है। उत्तराखंड में कौन सा आता है, नंदा देवी। और आपको नागालैंड का जो है ना आपको सारामती, नागालैंड का क्या, सारामती। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय का बगान नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा कि आपको कहां पे चाय का बगान नहीं है। एक कानन देवन चाय का बगान है, दार्जिलिंग जो कि आप पश्चिम बंगाल में आता है, चाय के लिए फेमस है, बहुत ही अच्छी चाय होती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये भी जो है ना आपको जो है ना यहाँ पे भी चाय के लिए आपको जो एक नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो है ना चाय की खेती होती है। आप लोगों को पता होगा कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो आपको चाय के लिए बहुत ही ज्यादा आपको फेमस जगह है। तो ये जो है ना नीलगिरी की पहाड़ियों पे भी जो है ना चाय का बगान है, दार्जिलिंग पे भी चाय का बगान है, कानन देवन पे भी जो है ना चाय का बगान है। लेकिन ये जो गिरनार है, ये आपको पता होगा कि ये गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है, तो आपको गुजरात में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो गिरनार की पहाड़ी है जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पे चाय का बगान नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सही उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि गिरनार जो है वहां पे चाय का बगान नहीं है। आगे बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट आप लोगों को पता होगा कि नेपाल में है, जिसकी लंबाई लगभग 8,848 मीटर है। मैंने कल भी सर बताया था 8,848 मीटर आपको माउंट एवरेस्ट की जो है ना आपको ऊंचाई है, जो कि कहां पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब इनमें जो है ना आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 8,848 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो भारत की प्रथम नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी उनका नाम था आपको बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी वो आपको एवरेस्ट के शिखर पे आपको चढ़ने में सबसे पहली बार सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, प्रथम भारतीय नारी आपको कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये आपको जो है माउंट एवरेस्ट के शिखर पे सबसे पहले जो है कौन चढ़ी थी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जुंको तावे। कौन चढ़ी थी आपको, जुंको तावे जो है ना आपको सबसे पहली महिला थी जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये आपको जापान की थी, कहां से बिलोंग करती थी, आपको जापान से बिलोंग करती थी जुंको तावे, जो कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ने वाली पहली महिला थी। अगर भारत की पहली महिला पूछेगा तब क्या लगाएंगे हम लोग, बछेंद्री पाल, तब क्या लगाएंगे, बछेंद्री पाल। आगे की ओर बढ़ते हैं, दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही, दो बार माउंट एवरेस्ट पर जो है ना आपको विजय प्राप्त किया था, उसका नाम था आपको संतोष यादव। कौन थी आपको, संतोष यादव ऐसी महिला थी जो आपको दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मतलब देखिएगा, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर दो बार आपको जो है ना चढ़ने वाली महिला थी, उसका नाम क्या था, संतोष यादव था। ये भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सेकेंड महिला है, द्वितीय महिला है। पहली बार कौन चढ़ी थी आपको भारत से, तो बछेंद्री पाल। दूसरी महिला कौन सी थी, तो आपको संतोष यादव थी, जो कि माउंट एवरेस्ट पर दो बार आपको विजय प्राप्त कर चुकी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हमारे पास एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
द्वितीय भारतीय महिला, फिर से आपको क्या सामने सेम क्वेश्चन आता है कि आपको एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो सेकंड भारतीय महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी थी और दो बार चढ़ी थी वो कौन सी थी, आपको संतोष यादव। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत सॉरी भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे जो ऊंची चोट पर्वत चोटी है वो कौन है, आपको गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, केटू के नाम से भी जानते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोट पर्वत जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग केटू के नाम से भी जानते हैं। नंदा देवी चोटी जो है ना वो किसका भाग है, तो नंदा देवी चोटी आपको गढ़वाल हिमालय का भाग है। ये नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे है आपको उत्तराखंड में स्थित है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपको किसका भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि जो कि गढ़वाल हिमालय का भाग है वो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में आपको अरावली की पर्वत श्रृंखला है। अरावली की पर्वत श्रृंखला जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, अरावली, जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है आपको, ये जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली की पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको गुरु शिखर जो है ना आपको, तो अरावली की सबसे ऊंची जो शिखर है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची जो है ना आपको पर्वत श्रृंखला कौन सी है, गुरु शिखर है। तो आपको गुरु शिखर की पर्वत श्रेणी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो राजस्थान में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको, राजस्थान हो जाएगा। मैंने बताया कि आपको जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है वो आपको राजस्थान में स्थित है, इसलिए आपको गुरु शिखर पर्वत चोटी जो कि आपको अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, वो आपको राजस्थान के सिरोही जिले में आता है, वो आपको सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई 1722 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है 1722 मीटर है। गुरु शिखर जो है चोटी की लंबाई कितनी है 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के आपको सिरोही जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, फिर से हमारे पास जो है ना जोड़ी मिलाने वाला सवाल आ गया। ठीक है, जोड़ी मिलाने वाला में आपको फायदा ये होता है कि जो भी उत्तर होता है वो आपको अगर चार में से एक भी पता है तो आप उस सवाल को, दो पता है तो आप सवाल को हल कर पाने में सक्षम होते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे फिर से आपके सामने तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पे आ जाएगा, डोडा बेटा, क्या आ जाएगा आपको, एक का चार, मतलब पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन भी गया, सी और डी हो सकता है। राजस्थान, अभी हम लोगों ने देखा राजस्थान में कौन सी है, गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर चोटी जो है ना आपको अरावली की पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग गुरु शिखर चोटी कहते हैं। तो ये जिसकी लंबाई हम लोगों ने क्या देखा था, 1722 देखा था, इसका हम लोगों ने धूपगढ़ का कितना देखा था, 1350 मीटर हम लोगों ने लंबाई धूपगढ़ की चोटी का देखा था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने कि राजस्थान का गुरु शिखर, अब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ की चोटी। तो यहीं पे आपको ऐसे कैंसिल आउट हो गया था, बी का कौन सा होगा आपको, थर्ड, तो बी का थर्ड होगा, तो आपको सही उत्तर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। आगे अगर आपको नहीं पता होता तब भी इस सवाल को कर पाते, लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपको, धूपगढ़ की चोटी है, जो कि सतपुड़ा रेंज में आता है, और वो आपको उसकी लंबाई कौन कितनी है, 1350 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपको तमिलनाडु की जो है ना सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपको डोडा बेटा है, राजस्थान का गुरु शिखर, मध्य प्रदेश का धूपगढ़ की चोटी, और नागालैंड का आपको सारामती, नागालैंड का क्या होगा आपको, सारामती चोटी। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। हमारे पास जो है ना भारत के कुछ प्रमुख दर्रे का जो है ना मैंने नोट्स बनाया है, जिसको आप लोग देख के याद करिए। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना आपके सामने आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आज आएंगे और कुछ क्वेश्चंस कल रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जो दर्रे हैं वो सारे दर्रों का जो है ना किस राज्य में आता है,
किस केंद्र शासित प्रदेश में आता है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि जो है आपको कभी देखना हो तो आप देख सकते हैं। देखिएगा हमारे सामने है भारत के कुछ प्रमुख दर्रे। तो सबसे पहला है खारदुंगला काराकोरम, खारदुंगला काराकोरम, जोजीला और जांगला, ये सबके सब लद्दाख में है। खारदुंगला काराकोरम, जोजीला और उसके साथ साथ आपको चांगला, ये सबके सब कहां पे है आपको लद्दाख, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोगों ने देखा ये चार प्रमुख दर्रे जो कि लद्दाख में स्थित है, खारदुंगला, जोजीला, चांगला और काराकोरम। काराकोरम की जो आपको दर्रा है वो लद्दाख में स्थित है, ऐसा नहीं कि आप जो है ना जम्मू कश्मीर लगा के आ जाइएगा, नहीं, आपको काराकोरम दर्रा जो है ना आपको कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा खारदुंगला, काराकोरम, जोजीला, चांगला, ये सबके सब कहाँ पे है, लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल आपको जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस तरह से पीर पंजाल और जो बनिहाल दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। देखिएगा ध्यान से सिर किला, ठीक है, रोहतांग, बाड़ा लांचा, कम से कम ये तीनों दर्रा तो आपको याद होना ही चाहिए जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये तीनों दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये तीनों हिमाचल प्रदेश का, ये तीनों दर्रा सिर किला, रोहतांग और बाड़ा लांचा। उसके साथ साथ आपके सामने है यांगजी, दीवान, फापा, पारंगला और मणिरंग, ये सबके सब हिमाचल प्रदेश में है। खैर, हिमाचल प्रदेश के ये तीन दर्रे सिरकिला, रोहतांग और उसके साथ साथ बाड़ा लच्चा, ये तीनों तीनों कहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सिरकिला, रोहतांग और बाड़ा लच्चा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ दर्रे की बात करते हैं। तो मुलिंगला, माना, नीति, निपुलेख, खास करके ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसपे मैं गोल लगा दे रहा हूँ, आपको गोला लगा दे रहा हूँ, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों के तीनों दर्रे आपको उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो आपको माना, नीति और लिपुलेख ये सारे के सारे जो है ना किस राज्य में आते हैं, आपको उत्तराखंड में आते हैं। माना, नीति और लिपुलेख ये सारे के सारे दर्रे आपको उत्तराखंड राज्य में आते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं नाथुला और जैलेटला, ये सिक्किम में, कौन से, नाथुला और जैलेटला, दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नाथुला और जैलेटला कौन से राज्य में है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिक्किम, नाथुला और जैलेटला। ठीक है, सेला, बोमडिला, यांगयाप और दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, सेला, बोमडिला, यांगयाप, दीफू। ठीक है, इसमें चारों याद कर लीजिए, चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है, सेला, ठीक है, बोमडिला, यांगयाप और दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है, सेला, बोमडिला, यांगयाप और दीफू, सेला, यांगयाप, उसके बाद बोमडिला और दीफू, ये चारों के चारों आपको अरुणाचल प्रदेश में। तुजू, मणिपुर, ये तो याद होना ही चाहिए, सारे जितने भी मैंने गोला लगाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुजू कहाँ पे है आपको, मणिपुर में, ठीक है, तुजू कहाँ पे है आपको, मणिपुर में है, तुजू कहाँ पे है आपको, मणिपुर, मणिपुर में स्थित है। तो तुजू दर्रा किस राज्य में आता है, मणिपुर में। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट और भोर घाट, घाट आ गया तो उसको जो है ना थाल घाट और खास करके भोर घाट, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में आता है थाल घाट और भोर घाट। पालघाट, पालघाट किसमें है आपको, केरल में, पालघाट कहाँ पे है आपको, केरल में स्थित है। तो हम लोगों ने याद किया आपको, ये जितने भी सवाल थे वो आपको, जितने भी आपको दर्रे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रे हैं। इसको फिर से मैं एक बार बता दूं, खारदुंगला, काराकोरम, जोजीला और चांगला, ये सारे के सारे किसमें है, लद्दाख में। खारदुंगला, काराकोरम, जोजीला और चांगला आपको लद्दाख में। पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में। सिरकिला, रोहतांग और बाड़ा लच्चा, ये हिमाचल प्रदेश में, सिरकिला, रोहतांग, बाड़ा लच्चा, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड है माना, नीति, लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख, ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम का तो आपको जैलेपला,
और उसके साथ साथ नाथुला। सिक्किम का कौन सा आपको दर्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जेलेपला और उसके साथ साथ नाथुला। हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो सेला, बोमडिला, यांगया, दिफू। आप लोग मुझे देखते रहिए और यहाँ पे मिलाते रहिएगा, ठीक है? मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश का आपको जो दर्रा है वो आपको बोमडिला है, सेला है, यांगयाप है, दिफू है, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद जो है ना मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो तुजू है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तो तुजू है। उसके साथ साथ मैं बात किया महाराष्ट्र में, तो आपको पालघाट तो आपको केरल में है। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो भोर घाट और उसके साथ साथ ठीक है थालघाट, ठीक है थालघाट और भोर घाट महाराष्ट्र में, और केरला में कौन सा है? पालघाट। इस तरह जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे थे उसको हम लोगों ने देखा। आगे की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि चांगला जो कि जम्मू कश्मीर में है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको चेक करना है, तो ये क्या हो जाता है आपको सही। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी आपको सही है। बोमडिला ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी सही है। सेला, यहाँ पे सेला जो है ना आपको किस में दे दिया हुआ है? आपको उत्तराखंड में दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। बताइए, अभी जस्ट हमने बताया था कि सेला जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देख लीजिए यहाँ पे सेला अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरह से आपको सेला कहाँ पे होना चाहिए था? अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए था, जो कि नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ ये रहा था क्वेश्चन में कि आप कौन सा सही मैच नहीं है। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो निम्नलिखित में पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो पालघाट आपको नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। पालघाट जो कि केरल में आता है, किसमें आता है? केरल में आता है। ये केरल में जो आता है आपको पालघाट, कौन आता है? पालघाट। ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। कौन? आपको पालघाट। पालघाट का जो दर्रा है केरल में स्थित है, वो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच स्थित है। पालघाट जो कि केरल में स्थित है दर्रा, कौन से राज्य में आता है? तो पालघाट केरल में आता है, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित है। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी हमने बताया पालघाट, पालघाट केरल में है, मतलब ये वाला उत्तर सही है। मतलब आगे पूछ रहा है कि भोरघाट, तो भोरघाट और थालघाट हमने कहां पे बताया? ये बताया भोरघाट और जो है ना थालघाट वो हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में। कहां पे बताया हमने? महाराष्ट्र में बताया भोरघाट और थालघाट, इसलिए ये आपको सही सुमेलित नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, बोमडिला आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश, नाथुला ठीक है, और उसके साथ साथ जेलेपला, ये दोनों के दोनों कहां पे थे? सिक्किम में थे, इसलिए ये भी आपको जो है ना क्या है सही सुमेलित है। पूछा था सही सुमेलित नहीं है, तो भोरघाट जो है ना वो आपको हिमाचल प्रदेश में ना होकर के आपको महाराष्ट्र में स्थित है, आपको महाराष्ट्र राज्य में आता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आपको नहीं है, ये आपका इसका सही उत्तर खैबर दर्रा होना चाहिए। थालघाट आपको अभी जैसे हम लोगों ने देखा, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में है। जब आप लोग भारत का मैप बनाइएगा तो भारत के मैप में जो है ना आपको पश्चिम मध्य महाराष्ट्र जो है ना यहाँ कहीं पे है, आ रही है बात समझ में? तो महाराष्ट्र यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो है ना पश्चिमी घाट में आता है, और ये थालघाट भी पश्चिमी में आता है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ये भी आपको पश्चिमी घाट में आता है। ये रहा केरल, और केरल में आपको कौन सा घाट, कौन सा आपको दर रहा है? पालघाट दर्रा है। ये सबके सब जो है ना तीनों के तीनों जो हमने टिक लगाया, ये तीनों के तीनों जो दर्रा है वो आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आते हैं, इसलिए कौन पूछ रहा है कि कौन पश्चिमी घाट में नहीं है, इसलिए खैबर दर्रा जो है ना पश्चिमी घाट श्रृंखला में नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्थित है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? खैबर दर्रा। क्या होगा आपको इसका सही उत्तर? आपको खैबर दर्रा हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों के तीनों आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आते हैं, लेकिन अगर मैं खबर खैर बर्दरा की बात करूं तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं आता है, और ये जो है खैबर दर्रा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, खैबर दर्रा जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। बस आज के लिए इतना ही, जितने भी दर्रे थे उसको एक बार फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और उसके साथ साथ कमेंट में भी अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।